बताऊंगा। सो हे गाइस, फाइनली हमें मिल गया साइकिल, इसको मिल गया काम। यहाँ पे जहाँ से हमने पहले काम छोड़ा था वहीं से हमें दोबारा काम मिल गया। और ये खुद ही सी साइकिल मिली है जो नौ साल पहले है, नौ साल ना, सात आठ साल पहले चलाया करती थी। देखो इसमें जा रहे हैं हवा भरवाने के लिए हम, तो ये बहुत जल्दी से यहाँ पे काम स्टार्ट करने वाली है। यहाँ पे बर्गर, चाउमीन, नूडल और क्या क्या रखने वाले हो अपने काम में। जिंदगी की शुरुआत इन्होंने यहीं से करी थी और यहीं पे आगे दोबारा अपना किस्मत आजमा लिया। हाँ जी, तो कितने रुपए कमा लिया करोगे आप? सारे जानकार मिल रहे हैं इनके, तो मजा आ रहा है अपने वीडियो बनवाने में इनके साथ। तो अभी हम जा रहे हैं हवा भरवाने। सो गाइस, हमारी साइकिल ठीक हो गया और हम जा रहे हैं। अभी पीछे से आ रही है, इसको छोड़ दिया मैंने, ये देखो साइकिल ले दी। ठीक है, मेरी पहली बारी तारीफ हुई है और मैंने इसका पेट्रोल पंप से हवा डलवाया। तो देखो ये साइकिल चला रही है, तो मतलब मैं क्या समझूँ, तुम्हें लाइसेंस देना जरूरी, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? क्योंकि इससे सब साइकिल नहीं संभाली जा रही, तो गाड़ी संभाली जा सकती है इससे। देखो इसका काम तो लग गया, मेरा काम लगा नहीं। अब मैं सुबह सुबह 6 बजे इसको छोड़ने के लिए आऊँगा, उसके बाद मैं खाली बैठा रहूँगा और मैं सोच रहा हूँ फिर इस पार्क में थोड़ा घूमूंगा। पार्क देखो, पहले भी मैं ना पहले शादी से पहले यहीं आया करता था, बैठ जाया करता था बस। पार्क बड़ा अच्छा है, एक बात है, मैं अंकल को बहुत घुमाया करता था इस पार्क में। हमें आज का टास्क तो खैर मुझे मिल गया। मैं सोचा था डेली ब्लॉग में आज क्या पाऊँ क्या पाऊँ, क्योंकि भाई मुझे यूट्यूब पे रेगुलर रहना है। ठीक है, तो फिर भाई साहब चलो थोड़ा बहुत कुछ तो मिला। दोस्तों इस वीडियो को देख के इन्जॉय करना, कुछ है नहीं देखने के लिए, इन्जॉय क्या होगा। और कमेंट भी करना, कमेंट में डैश 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 खाली कुछ छोड़ देना। ठीक है, और फनी सा इमोजी लगाई, देखो ये लग रही है कहीं से 30 साल की औरत, 30 साल की लग रही है कहीं से, लग रही है तुम्हें? बस बाल पके हैं इसके, बुड्ढी बुड्ढी हो रही है ये, लग रहे हैं इसके कोई चार पति, इसके चार पति है कोई। मतलब ओ तेरी की, पता है साइकिल जब से छोड़ के गई थी तब से ऐसी खड़ा है, और जब तक अभी जब से ऐसी खड़ा है। देखो कितनी सारी साइकिल खड़ी है, चलो यहाँ जल्दी खड़ी कर दो। गाइस ये वही औरत है जहाँ से काम छोड़ के गई थी, अब दोबारा वहाँ पे आ गई, बदतमीज। देखो ये दीदी का घर है और मैं वहीं पे आ जाया हूँ आंटी से मिलने के लिए। आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हमने सोचा जाते जाते यहाँ से आंटी से मिल ले। आंटी खोल गई, आई लव यू। सो गाइस ये रहा मेरा दीदी का घर, यहाँ पे मैं बहुत टाइम तक रहा हूँ। मैं दीदी के साथ रहा हूँ, मैं अंकल के साथ रहा हूँ, अंकल और मैं इस रूम में अकेले ही रहा करते थे और मैं अंकल की देखभाल किया करता था। और यहाँ पे इस टीवी पे मैं अंकल को बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लगा के छोड़ रख दिया करता था और अंकल बैठ के देखा करते थे। और कैसा है ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस सुबह का टाइम है और बज रहे हैं 7 तो नहीं बजे, हाँ 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। और बंदर की गैंग देखो कितनी गंदी तरीके से बैठी है। भाई साहब किसका लूटना है? ओहो एक बंदर के तो फोड़ा निकल रहा है, देख रहे हो? ये देखो बंदर, वैसे आपको फोन में दिख नहीं रहा पर आप बाहर आके देखो, ये देखो। और अब हम जा रहे हैं काम पे, कल जो हमने काम पकड़ा था। ठीक है, तो वहाँ जाके अब आपसे मिलता हूँ। गाड़ी से देखो, मेरी गाड़ी में आग लग गया। बड़ा स्टैंड लगाओ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गाइस हमने फाइनली सुखियत काम पे छोड़ दिया और मैं सामने पार्क में थोड़ा सा स्टे कर रहा हूँ और मेरी काफ़ी सारी वीडियो भी है, तो मैं सोचा इस पार्क में बैठ के वो सारी मैं एडिट कर लूँ। और प्लस अभी आते टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा मेरा नीचे दिखाया था, गाड़ी के नीचे आग भी लग गई थी और वो इसलिए हुआ था क्योंकि गाड़ी के मैंने आगे सिलेंसर के कपड़ा सा रख दिया था,
और काफ़ी देर बाद उसमें आग लगी। हमें पता चला बाद में, सोच रहा फ्यूल टैंक के पास नहीं था, नहीं तो आग बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान कर देती। और मैंने रिकॉर्ड वहाँ पे इस टाइम इसलिए ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मैं लेट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, और मेरे को यहाँ पे टाइम से पहुँचाना था उसको, तो इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। और ये हमारी वीडियो प्लीज़ कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारी वीडियो कैसी बनाने लाना सपोर्ट करना। तो बाय बाय।